स्वागत है आप सभी को हमारा चैनल पर। साहेबगंज बरहवा प्रखंड में पत्रकारों ने मिलकर प्रदर्शन किया था और पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने का मांग किया था। उसी बात को लेकर पाकुड़ विधायक सा ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बरहवा पहुंचे और उन्होंने क्या कुछ कहा पूरा आप लोगों को उसका बयान देखने को और सुनने को मिलेगा और क्या है पूरा मामला आइए जानते हैं। मंत्री आलमगीर आलम ने स्थानीय हिंदी पाक्षिक समाचार पत्रकार बरहरवा में किया लोकार्पण। बोले, पत्रकार के ऊपर हमले को लेकर गंभीर है हमारा सरकार। पाकुड़ विधायक सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम रविवार को बरहरवा नगर पंचायत क्षेत्र के कुशवाहा टोला में स्थित आरबी प्लेस में स्थानीय हिंदी पाक्षिक समाचार पत्रकार का विधिवत लोकार्पण किया है और बताया कि हमारा सरकार पत्रकार बंधुओं के साथ है और बताया कि पत्रकारों के साथ जो भी दुर्व्यवहार करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। पत्रकार के ऊपर सर हमले किए जा रहे हैं, सच की आवाज को बुलंद करने वाले पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, इसको लेकर सर क्या? देखिए, सरकार इस पर भी गंभीर है और इसके पहले भी हम लोगों ने कहा था कि रांची में एक पत्रकार पर हमला किया गया था और उसमें सरकार से लेकर हमारे पार्टी के तमाम लोग भी वहाँ पर भी छानबीन चल रहा है। दूसरी बात रहा है कि पत्रकारिता जो लोग करते हैं भयों में करते हैं, कभी तो ऐसा सिचुएशन जो आता है सही बात लिखने पर दूसरे को रेंट होता है। इस तरह सरकार की ओर से भी इस तरह की बात विधानसभा में कराई और पत्रकार बंधुओं से कहना चाहते करने की बात नहीं है। आपके पास आपके साथ सरकार है और इस समस्या को हम लोग देंगे। पत्रकार जो पत्रकारिता जो करते हैं चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक, इस पर कोई हमला कोई सर पत्रकार सुरक्षा को लेकर कोई तो सर्कुलर तो ला ही सकते हैं। बिल देखिए, सर्कुलर ऐसा नहीं, ऐसा तो सर्कुलर सब जगह लगा है, सब जगह लगा है। किसी भी आदमी को मानिएगा पत्रकार हो चाहे आमजन हो उस पर तो एफ आई आर होगा, लेकिन सरकार जब बिल आता है तो कोई कोई बिल बिल लाता है। अभी जैसे डॉक्टर प्रोटेक्शन बिल पत्रकार भी मांगा है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि एक रेशियो होता है, ऐसा तो नहीं है सब दोषी दो चार पत्रकार को के साथ कुछ व्यवहार हो जाता है। इंस्टेंट दो चार मिला है और आगे सरकार गंभीर है, अगर इस तरह पत्रकार ज्यादा होता है निश्चित तौर पर सरकार भी इस पर एक्ट लगाकर रोकने की काम है। सर पत्रकार के ऊपर सर हमले हो रहे हैं, सर हमले होने के बाद शिकायत भी थाना में की जा रही है, लेकिन देखा जा रहा है सर कार्रवाई पे प्रशासन की उदासीनता ही देखी जा रही है। देखिए, बहुत सारी बात जो है आपको हम व्यक्तिगत रूप से बैठेगा तो बहुत सारी बात होती है, अगर उसके पीछे भी आपको जानना पड़ेगा। हाँ बोले ना, कहते हैं न्यूज से नहीं होता, न्यूज से भी होता है, कहीं कहीं न्यूज भी गलत हो जाता है हमारा सोच। हाँ वो बात बात की बात है, लेकिन हम यही कहेंगे सरकार में है पत्रकार जो है उनको सुरक्षा मिलना चाहिए, अगर कोई भी उनके साथ व्यवहार खराब करते हैं उस पर